अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टैलेंटेड एथनिक रेट मेजरमेंट के जो एमसीक्यूज है उसका लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिग्निफिकेंस फिगर्स के रूल पढ़ रहे थे, तो रूल नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 हमें बताता है कि जो एग्जैक्ट नंबर होती हैं या कॉन्स्टेंट होती हैं उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फिर उसने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि 12 एग्स हैं तो दिन में एक दर्जे में 12 अंडे होती हैं, which means that the number 12 has infinite number of significant figures, क्योंकि ये fixed number है। तो इस केस में कितने होंगे infinite number of significant figures इसके अंदर होंगे। फिर वो कहता है कि number and constant are considered to have infinite number of significant digits। अब इस तरह के क्यों ऐसा होता है? Because they are exact values, क्योंकि ये exact values होती हैं। That are not obtained through measurement or calculation, क्योंकि जो बाकी रूल हमने 4, 1 to 4 रूल जो हमने पढ़े थे उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम मेजरमेंट कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे। देखिए जो रूल नंबर 5 ये हमें कहते हैं कि एग्जैक्ट जो वैल्यूज होती हैं, क्योंकि वहां पर आप मेजरमेंट नहीं कर रहे, आपने जो मेजरमेंट करके लॉज को उतारो पे करके जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है ना, ये चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि अंडे 2 दर्जन में अंडे 12 ही रहेंगे जहाँ पे मर्जी चले जाए, तो ये चेंज नहीं होगा। लेकिन जो रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक जो मेजरमेंट है, मेरे को वो मेजरमेंट करूंगे मेरे रिजल्ट कुछ होंगे, आप करेंगे आपके रिजल्ट कुछ आएंगे, क्योंकि वो फिक्स वैल्यूज नहीं है, इसलिए वहां पर आप सिग्निफिकेंट फिगर वो काउंट करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज है वहां पर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलेंगे। क्लियर है एमसीक्यू ये पॉइंट? एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, रीजन इसकी क्या है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं जिसके इनके जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। दे आर डिफाइंड आर काउंटेड वैल्यूज दैट आर नॉट विद कंप्लीट सर्टेनिटी, ये हमें पूरी श्योरिटी होती है, इस बार हमें कोई इस पर डाउट नहीं होता। एंड देयर फॉर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो ये आप इंटरव्यू का आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये पैराग्राफ इसको आप आंसर दे सकती है। फिर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एक घंटे में हमेशा 60 मिनट ही होंगे, इसका मतलब है 60 जो है, यानी कि एक घंटे में कितने इनफाइनाइट नंबर होंगे, कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। पाई जो है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसमें भी इनफाइनाइट होंगे। एनी वैल्यू दैट इज एग्जैक्ट एंड नॉन सब्जेक्ट टू मेजरमेंट और कैलकुलेशन एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है ये पॉइंट? नोट कहते हमें when performing mathematical operation with significant figures, the result should be rounded to the least precision value. वही बात जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप करते हैं ना राउंड ऑफ, when performing mathematical operation, the result should be rounded to the least precision value. For addition and subtraction, the result should be rounded to the same number of decimal places. तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या एडिशन वाला वर्ड यहाँ से मिस हो गया, तो वो आप ऐड कर लें। तो वो कहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के लिए आप क्या करती हैं, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू देखती हैं, यानी कि लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होती है बताएं, लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होती है? ठीक है बताएं, आपका माइक आ चुका है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो कम से कम जो वैल्यू होती है जहां से वो मेजरमेंट स्टार्ट करता है लेना, उसको लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। ये तो आपने वो उर्दू बता दी ना, मैं इसकी वो पूछ रही है उससे कौन सी है सर, जिसमें सिग्निफिकेंट की तादाद बहुत कम हो। हाँ जी, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर कम हो वो वैल्यू होगी लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू, जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होंगे वो होगी मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, ये पेपर में आ सकता है,
ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें प्रिसीजन बताते हैं कि कोई जो हमारी मेजरमेंट है उसमें कितनी भी वो प्रिसीजन ही हमें वो बताता है। तो ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। सही पार्ट है, बी है हमने ना मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस सर यही पूछ रहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ये रूल इस्तेमाल होगा। जी, ये रूल में इस्तेमाल होगा, ये लिखा भी हुआ है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए आप क्या करती हैं? लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू, ये एक वो टेक्निकल नाम है। दूसरा नाम इसका क्या है? दूसरा नाम इसका है क्यूएस, यानी कि इसके मतलब लीस्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दोनों आप बता सकते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो तब आप लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आप नहीं देखते, फिर आप क्या देखते हैं? डेसिमल प्लेस देखती हैं। डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, वो आंसर में भी फिर आपने उतने डिजिट ही लिखती है। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी है? जी सर। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है मेरा आपसे सर, कि पूछिए। पूछिए। सर ये जो पहला एमसीक्यू था जिसमें बताया था कि अगर हमारे कौन पर सा वाला? कांस्टेंट वैल्यू हो तो वहां पे जो कांस्टेंट जब वैल्यू होगी तो वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सर ये बात कोई जरा समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हो वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे आखिर। वही मैं आपको आपको बता रहा था, ये वाला पैराग्राफ पढ़े, ये रीजन है। नंबर्स एंड कॉन्स्टेंट आर कंसीडर्ड टू हैव इनफाइनाइट नंबर आर सिग्निफिकेंट डिजिट बिकॉज क्यों होती हैं? बिकॉज दे आर एग्जैक्ट वैल्यूज दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट आर कैलकुलेशन। जो पॉइंट नंबर 4, 1 से लेकर 4 तक जो आप पढ़ती हैं, वहां पर मैं मेजरमेंट करूँ मेरे रिजल्ट कुछ होंगे, आप मेजरमेंट करें आपके रिजल्ट कुछ होंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है इनके रिजल्ट कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जैसा कि उसने एग्जाम्पल दिया कि एक दर्जन है, उसमें 12 अंडे होते हैं या 12 चीजें होती हैं, तो चाहे मैं जहां पे मर्जी चला जाऊं उसमें 12 ही मौजूद होंगे। उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि एक दर्जन में 10 होती हैं, एक दर्जन में 6 होती हैं। तो यानी कि ये फिक्स वैल्यूज होती हैं। तो जब फिक्स वैल्यूज होती हैं तो यानी कि ये मोस्ट एक्यूरेट मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू हो गई ना, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही। जो मोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रिसीजन है वो शो करने के लिए फिर आप क्या बताएंगे? मैथमेटिकली आप उसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आप ऊपर डाल दें। क्लियर हुआ कि चूंकि आपने बता रहे कि इस पे मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, इसमें चेंज नहीं होना। तो जो फिक्स वैल्यू है फिर जाहिर है उसमें आपने मैथमेटिकल अगर आप उसको बता फिर आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे इसमें इनफाइनाइट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होने का मतलब क्या है? इसकी जो प्रिसीजन है वो सबसे ज्यादा है। अब क्लियर है? जी सर अब क्लियर हो गया। सर मुझे क्लियर नहीं हो गया। आपको पूछिए क्या क्लियर नहीं हुआ? दे सकते इस तरह क्यों नहीं चेंज कर सकते? आप कांस्टेंट वैल्यू की बात करते हो सर। बात है, दोबारा रिपीट करें। और क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। तो सर अगर हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 मीटर भी आ सकते हैं, 1.5 मीटर भी आ सकते हैं, इस तरह आ सकते हैं ना, तो चेंज तो कर सकते हैं क्या पाई की वैल्यू को चेंज कांस्टेंट कर वैल्यू। सकते हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। क्या पाई की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? सर समझे नहीं। मैं पूछ रहा हूँ क्या पाई की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं सर पाइक नहीं कर सकते। तो फिर आप कह रहे हैं कि चेंज है वो, पहले आप कह रहे हैं कि लेंथ कोई 1 बोल देगा, कोई 1.1 मिलीमीटर बोल देगा, उसके लिए रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 4 तक है। हाँ सर मैं मेजरमेंट की बात करता हूँ ना कि सर अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो वो तो चेंज हो सकती है,
चेंज होती है पाई की उसमें तरफ फाइनाइट वो फिगर फिगर नहीं। जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है उसमें वो सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट नहीं होते। जैसे कि जो रॉड है, आप इसके रॉड की लेंथ आप मेजर करते हैं, आप कुछ करते हैं कि मैं कुछ दूंगा, क्योंकि इसकी तो चेंज हो रहा है, तो इसमें इनफाइनाइट मैं नहीं बोलूंगा। इसमें मैं बोलूंगा कि मेरे 5 आए हैं, आप बोलेंगे मेरे 7 आए हैं, तो फिर जो साइंटिस्ट है, जो फिजिस्ट है, वो डिसाइड करेगा कि चूंकि आपके सिग्निफिकेंट फिगर 7 आए हैं, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो ज्यादा प्रिसाइज है। मैं बोलूंगा मेरे 5, वो बोलेगा आपकी जो वैल्यू वो लीस्ट प्रिसाइज है। लेकिन जब पाई की वैल्यू पे आ जाए तो जो मर्जी आप क्या वो कर लें, पाई की वैल्यू तो वो फिक्स रहना है। तो जितनी ज्यादा वो वैल्यू होगी, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है ये प्रिसीजन को बताती है, तो ज्यादा जो फिक्स वैल्यू है वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू को आपने बताना है, फिर आप कैसे बताएं कि इसमें फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर डालते हैं तो ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? सर, अगर कोई हमें कहते कि 5 में कितने हैं, तो हम इसको इनफाइनाइट नहीं कह सकते कि इसमें पाई इनफाइनाइट को से सिग्निफिकेंट फिगर। अगर वे से बता दे कि 5 डिजिट बता दे, ऐसा नहीं कहते कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या पाई या क्या है, तो आपके क्या बोलते हैं, 5 डिजिट, मतलब यस सर। एग्जांपल दें। सर, अगर सिर्फ वैसे बता दे कि 5 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये 5 नंबर, यस सर, यस सर। अगर ये जाहिर है कि हमने अगर नंबर की बात करें इसमें इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि 5 ने 5 ही रहना है। 5 ना तो 4 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 6 हो सकता है, 5 ने 5 ही रहना, तो ये इसमें इनफाइनाइट होंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन जब आप मेजरमेंट करेंगे तो फिर आप जब मेजरमेंट करते फिर आप स्पेसिफाई कर देती हैं, मैं रॉड की मेजरमेंट कर रहा हूँ, मैं बॉल की मेजरमेंट कर रहा हूँ। फिर उस सिनेरियो में आप बात करती हैं कि ये जो मैंने रॉड की मेजरमेंट की इसमें इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई हैं, तो जो मैंने वो बॉल की इसमें इतनी आ गई है। लेकिन जस्ट आप जब आप वो जस्ट नंबर की बात करें कि 5 नंबर है, यानी कि मैं आपको नंबर दे रहा, मैं आपको बोलूँ कि 4 नंबर है काउंटिंग का, जिसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, मैं 4 को 3 नहीं बना सकता। मैं भी बोलूँ तो मैं भी इसको 4 पढ़ूंगा, अमेरिका वाला वो भी इसको 4 पढ़ेगा, बरतानिया वाला वो भी इसको 4 पढ़ेगा, तो फिर इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि इसमें हमारी प्रिसीजन सबसे ज्यादा है। आप बताएं। फहीमुल्ला क्लियर जी सर, है? यस सर। आगे फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रोल शुरू हो गया, तो ये आसान से एमसीक्यू है, इसमें कितने हो गए जल्दी जल्दी वो बताते जाएं। 15.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? थ्री थ्री सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर आपका आ जाएगा। काउंटिंग ऑफ का भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, चले ये वो वाली बात नहीं है। आ गई, अब देखिए इसमें डेसिमल प्लेसेस है 1 और इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है 3, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए? 5 सर, 1 होने चाहिए। 1 होने चाहिए। अब यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखेंगे, यहाँ पर आप डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, ठीक है? तो फिर बार किस में आता है, आंसर नंबर बी में। अब देखिए सम टाइम ये आपको वो कुछ
कुछ सम टाइम ना यहाँ पर जहर आपको वो एडिशन करनी पड़ेगी, लेकिन सम टाइम पेपर में ये आता है कि एडिशन करने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आप सॉल्व ना करें डायरेक्ट, आप क्या करें कि स्टेप को यूज कर लें, तो जो चारों ऑप्शन आपको दिए होंगे वो फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो सम टाइम ऐसा भी होता है, तो जिनको कंसेप्ट नहीं होता वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, जिसमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर कंसेप्ट यूज और होते हैं। ठीक है, चीज का भी आपने ध्यान रखना है। वन मिली इज इक्विवेलेंट टू 1609 मीटर, ये भी आपसे हुआ था ना। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन गया है कि वन आई थिंक ये मिली है, ये पता क्या लिखा हुआ है, ये किस, नहीं मील आई माइल थिंक, तो नहीं है, माइल, हाँ माइल जी माइल है, माइल किसे वन माइल किसके इक्वल होता है 1609 मीटर के, तो 55 माइल पर आर, ये किसके इक्वल होगा, तो ये कैलकुलेट कर लें, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो ये सारा यहाँ पर हुआ होगा सोल्यूशन, उसको आप देख लीजिएगा, आसान है कि जो 1 माइल है वो किसके इक्वल होता है 1609 मीटर के, तो यानी कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के इक्वल होता है 1 माइल, ऑलमोस्ट 1 घंटे में कितने होते हैं 36 सेकंड होती हैं, तो 55 माइल आर है, पार नहीं है सिर्फ माइल आर है, तो 55 नहीं यहाँ पर माइल पर आर है, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन में माइल -1 आएगा, तो -55 आ गया। अब देखिए माइल बड़ा है कि मीटर बड़ा है, कौन सा बड़ा यूनिट है, माइल बड़ा है तो माइल आपने क्या करना है, बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है या छोटे को बड़े में करना है, आपने आंसर लाना है। तो अच्छा, तो इसमें आपने क्या करना है, अब देखिए ये माइल्स है, एम माइल्स को शो कर रहा है माइल्स, तो माइल्स में कितने मीटर होती हैं 1609, क्योंकि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करती हैं, ये याद रखने का तरीका है, फिर आ गया घंटा, तो पर मतलब डिवाइडेड बाय 3600 आ गया, यानी कि ये सारा हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 1609 डिवाइडेड बाय, घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकंड्स होती हैं, तो ये आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करें फिर आपका आंसर किस में आ जाएगा, 24.5875 मीटर पर सेकंड राउंडेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये फॉर आंसर इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन ये वन, आप देखिए आंसर ये आ रहा है आपका, तो आप ऑप्शन देख लें, ये भी नहीं है 15, 25, 66, 88, ऑप्शन में कोई ऑप्शन नंबर बी है, तो 25 के ज्यादा करिएगा, ठीक है 24 है ना, तो जब आप राउंड अप करेंगे ये 25 के करीब आ जाएगा, द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज ए विच इज 15 मीटर पर सेकंड, बट द करेक्ट आंसर ये बी के ज्यादा पास है, और 15 नहीं है 25 है, क्लियर है एमसीक्यू, आसान है। अ स्फीयर विद द रेडियस ऑफ 1.75 सेंटीमीटर एज अ वॉल्यूम, वैसे तो आसान था लेकिन आपको स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है याद है किसी को, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना,
मार्क्स का बीपीएससी में, केपीके में आई थिंक नहीं होता, ना ही एसपीएस में आई, शायद उसमें भी होता है, लेकिन बीपीएससी में होता है 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का पोर्शन। उसमें ये चीजें आ सकती हैं कि ईयर के अंदर, और बाकी जो एसएससी हो गया जनरल एसएससी साइंस सिंध वाले जो हैं, वहां पर ये चीजें पूछी जाती है, तो ये चीजें आपको दोबारा याद होनी चाहिए। ईयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता किसी को, पता है तो बता दे, 4/3 π r³। पाई आर क्यूब, तो आर की वैल्यू पुट करते हैं फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो आपका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू दी हुई है वो पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि ये, अच्छा अब ऑप्शन में देख रहे हैं कि आपको मीटर में दिया हुआ है, रेडियस उसने दिया हुआ है सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर आपको मीटर में पूछ रहा है, तो इसलिए तो फिर आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब को आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी होती है 100, नहीं 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितनी है 3 है ना, तो एक और मीटर डाल दो, तो यहाँ पर एक और 100 डाल के, एक और डाल दो, तो यानी कि कितने बन जाती हैं, 2 2 6 0 बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब आपने मीटर क्यूब में करना है तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटे से बड़े में जब आप जाती हैं तब आप डिवाइड करती हैं, या बड़े से छोटे की तरफ जाती हैं तब आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई करती हैं, तो चूंकि आपने सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे, फिर आंसर क्या आएगा 10^-6 हो जाएगा, 10^-6 से मल्टीप्लाई कर लें या इस नंबर से डिवाइड कर लें, दोनों ने डिवाइड किया होगा, तो आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि ऊपर जाकर ये -6 हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया साइंटिफिक रोटेशन में। स्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, आसान है, पता होना चाहिए आपको, 4 π r², वही तरीका आपको दिया हुआ है, उसको आपने यूज कर लेना है, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बाकी आप कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द रेडियस आर एंड अ हाइट ऑफ, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको नहीं आता होगा, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा, π r² मल्टीप्लाई बाय एच, एच मल्टीप्लाई और है, एच मतलब आर की पावर नहीं है, आर की पावर है ये वाला, r² π r² मल्टीप्लाई बाय एच, तो वैल्यू आपको दी हुई है, तो वो उसको सॉल्व कर ले, बाकी कन्वर्जन है ना वो भी आप कर ले, क्योंकि सारे में उसने सेंटीमीटर दिया होगा और आंसर उसने मीटर के में पूछा होगा, इसलिए कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये वाला, 2 π r² + 2 π r h, तो ये पेपर में आ सकती है, कन्वर्जन बाकी आसान है, क्यूब बॉक्स उसके वाले का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बताएं क्यूबिक बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूबिक बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला R³। आर के, यानी क्यूब कह रहे जो मर्जी, यानी 3 दफा आपने लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है, और स्क्वेयर विद द एज एरिया, और स्क्वेयर विद एन एज ऑफ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर हैज द एरिया, तो स्क्वेयर का एरिया क्या किसके इक्वल होता है,
एल स्क्वायर। वन मीटर इज इक्विवेलेंट टू, ये भी आपके सवाल के अंदर फिर आपसे क्यों आ गया, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 3.281 फीट के इक्वल होता है। अ क्यूब विद एरिया ऑफ 1.5 फीट एज अ वॉल्यूम ऑफ एल क्यूब, वॉल्यूम होता है तो ये सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट मैथमेटिक्स है और मैंने यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर दिया होगा है, बस आपने यूनिट को इंटर कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना। During a short interval of time, the speed v in meter per second of an automobile is, वो कह रहा है ये स्पीड आपको दी हुई है ऑटोमोबाइल की। The units of a and b are respectively, तो units of a and b बता रही है। सबसे पहले बताएं एट स्पीड का क्या यूनिट है, कौन बताएगा एट स्पीड का क्या यूनिट है, फौरन बताना है। मीटर सेकंड होगा पर यहाँ पे सेकंड, टाइम पे। मीटर इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, एम एस माइनस टू इज इक्वल टू ए, टी का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस फोर, तो ए का यूनिट क्या बन गया एम एस माइनस फोर। ये भी मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर फिर आ जाएगी एम एस माइनस 5 आ जाएगा, तो एम एस माइनस 4 और एम एस माइनस 5 ये किस में आ रहा है, सेवन है, इक्वल टू बी सी वेयर ए हैज अ डायमेंशन एल ओवर एम एंड सी हैज अ डायमेंशन एल ओवर टी, बी हैज अ डायमेंशन, तो डायमेंशन आप निकाल लें, बी किसके इक्वल हो जाएगा ए ओवर सी के, ए की डायमेंशन क्या है एल डिवाइडेड बाय एम और सी की डायमेंशन क्या है टी ओवर एल, क्योंकि ऊपर जाके टी ओवर एल हो जाएगा, वैसे एल ओवर टी है तो ऊपर जाके टी ओवर एल हो जाएगा, एल एल से कट गया तो टी ओवर एम इसकी डायमेंशन आ गई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन ये सॉल्व मैंने कर दी है, 28 एमसीक्यू आई थिंक, तो ये लास्ट एमसीक्यू है मेजरमेंट का, ए इज इक्वल टू बी की पावर एन सी की पावर एम, फिर ए एज डायमेंशन एल टी बी एज डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सोल्यूशन दिया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट की एप्टीट्यूड के सीरीज वो खत्म हो गई, तो कल से फिर हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, मेजरमेंट की जो एक्सरसाइज है उसको हम कल हम कोर्स करेंगे, इतना लेंथी वैसे पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ना ब्याज पहले पेपर उसमें ये एमसीक्यू आ सकते हैं, कोई तो सवाल है पूछ लें सेशन से रिलेटेड या वैसे, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगी। तो ये नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन सीरीज उन क्वेश्चन बुक में कर पढ़ी दिया है ना मेडिकल प्रॉब्लम। जी, सर कल शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स? मेडिकल प्रॉब्लम नहीं करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बस करेंगे एक्सरसाइज के। सर ये फाइल पड़ी हुई है पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप में? आप पेड स्टूडेंट हैं तो ग्रुप पे सेंड की हुई है। ठीक है। योर सवाल कल से हम इंशाल्लाह ताला, ये जो हमारा थ्योरी वाला भी हो गया एक्सरसाइज, जो एमसीक्यू वाला भी हो गया,
तो कल हमारा ये वाला पोर्शन स्टार्ट होगा एक्सरसाइज थ्री का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हमारा वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा होगा, फिर हमारा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन होगा। तो अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन फाइल मुझे रिसीव हुई है, वो है स्पीड की, किसी और ने अपनी क्वेश्चन फाइल नहीं भेजी रिगार्डिंग मेजरमेंट। तो आपने हमारा डिसाइड हुआ था कि क्वेश्चन आंसर वाला भी हम सेशन रखेंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन आंसर वाला सेशन तभी होगा जब आप क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने क्वेश्चन पूछने नहीं है तो फिर हमारा वो सेशन कैसे होगा। तो इसलिए आपको टाइम है अभी आपके पास, तो आपको पूछ लें, ठीक है? स्पीड के अभी तक क्वेश्चन आंसर वाली फाइल आई है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। आई थिंक तो आपका कोई सवाल नहीं है। चले फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।